in this video you are going to watch the most ugly video of 2022. Reason behind that, क्योंकि इसमें कोई भी editing नहीं होगी, जैसे कि मेरी बाकी की videos में होती है hardcore editing वगैरह, इसमें कोई भी editing नहीं होगी, इसमें कोई भी angle shift नहीं होंगे कि इस camera angle से उस camera angle चल जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ basic focus मुझ पे ही रहेगा। इसमें कोई भी dopamine rush देने के लिए आपको कुछ नई नई चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, बहुत ही ज्यादा अगली और बेसिक टाइप की वीडियो होगी। इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पर हर एक वीडियो बहुत फास्ट होती है, नई नई चीजें आती है हर एक सेकंड पे, मिली सेकंड पे, ये मैं बिल्कुल ही सिंपल रखने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो सबसे ज्यादा अगली होगी। और ये मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो हर किसी के लिए है ही नहीं, क्योंकि हर कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये काफी बोरिंग टाइप की वीडियो होगी। ये वीडियो सब उन्हीं टाइप के लोगों के लिए जो कि एक बेसिक वीडियो देखना थोड़ा पसंद करते हैं और ये देखना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी पता है कि जब ये चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा तब कई सारे लोग यही वाली वीडियो देखने आएंगे और समझेंगे कि ओ ऐसे भी वीडियो बनती है, इसे कहते हैं बेसिक वीडियो। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो की वैल्यू अभी इतनी ज्यादा नहीं होगी, बट आई थिंक इन द फ्यूचर हो सकती है। एंड बाय द वे ये लास्ट डे है 2022 का, इट्स 31st December एंड कल न्यू ईयर है, कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा 2023। इस वीडियो में मैं आपको अपनी तीन रियलाइजेशंस बताना चाहता हूँ जो मैंने इस पूरे साल भर में की है, जो चीज मुझे यूट्यूब जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है या आगे जाके करेगी भी। तो मैं तीन रियलाइजेशंस बता रहा हूँ जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा काम की है कि यार ये चीज मुझे रियलाइज हुई। पहली पे चलते हैं कि आई थिंक यार लाइफ इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप को ही जानना है कि तुम कब प्रोडक्टिव होते हो, कब तुम्हारे लिए क्या चीज हेल्प करती है, क्या चीज हेल्प नहीं करती है, कब डिमोटिवेट होते हो, कब तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो। तुम्हें अपने आप को जानना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि तुम उस चीज का यूज करके आगे सक्सेसफुल हो सको या आगे कुछ बड़ा कर सको। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मैंने ना रियलाइज किया कि अगर मैं थोड़ी डार्क जगह पर रहूं जहां पर अंधेरा वगैरह हो या फिर मेरे रूम में थोड़ी डार्कनेस हो, इतना ज्यादा लाइट वगैरह ना हो, तो मैं ना डीमोटिवेट होने लगता हूँ, मुझे ऐसा अपने आप एनर्जी मेरी लो हो जाती है। दूसरी चीज मैंने ये रियलाइज किया कि जब ना ठंड वगैरह चलती है, जैसा अभी ठंड चल रही है, तो ना हम सबके पैर ठंडे वगैरह रहते हैं, और जब मेरे पैर ठंडे होते हैं ना तो मुझे फिर काम करने का मन नहीं करता है, मुझे ना प्रोकास्टिनेट करने का मन करता है। इसलिए मैं ना ज्यादातर आज की डेट में काम ज्यादा करने के लिए सॉक्स पहन के घूमता हूं, जैसे कि पैर जो है वो वार्म रहे और मुझे काम करने का ज्यादा मन करे। ये सब चीजें ना मेरी रियलाइजेशन है कि मैं कब डिमोटिवेट हो जाता हूँ, कब मुझे काम करने का ज्यादा मन करता है। एंड आई नो दिस इज वियर्ड, ठीक है, लेकिन हर किसी का अपना अपना होगा, हर किसी की ना अपने अपनी रियलाइजेशंस होती हैं। जैसे हमें ना अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, एंड आई रियली बिलीव कि एक इंसान को ना 21 या 22 23 साल तक उसे समझ जाना चाहिए कि वो किस टाइप का इंसान है। जितने भी अच्छे अच्छे लोग हुए हैं हिस्ट्री में, अभी अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्हें पता है कि वो कब ज्यादा काम कर लेते हैं, किस चीज से उन्हें दिक्कत आती है, किस चीज से नहीं आती है, कौन उनकी एनर्जी ड्रेन आउट कर लेता है, कौन उन्हें एनर्जी देता है, किस टाइप के लोग देते हैं, उन्हें पता होता है और वो उसी चीज का यूज करता है अपनी पूरी लाइफ पर। तो लाइफ इज ऑल अबाउट जस्ट फाइंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को फाइंड करना कि तुम्हारा लाइक क्या पर्पस है, तुम्हें क्या चीज ड्राइव करते हैं, क्या चीज मोटिवेट करते हैं। तुम्हें पैसा मोटिवेट करता है, हैप्पीनेस मोटिवेट करती है, डोनेशंस मोटिवेट करती है, क्या चीज करती है। और एक बार तुमने अपने आप को अगर फाइंड कर लिया, जैसे मैंने अभी कोई रियलाइजेशंस वगैरह बताई, और भी मैंने कई सारी इस साल देखी अपने बारे में जानी, ठीक है, तो अगर आपने ये सब जान लिया ना तो ये आपकी लाइफ आगे जाके बहुत स्मूथ बना देगी, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, क्या चीज आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकती है जो चीज। और अब आते हैं दूसरी रियलाइजेशन पे जो मुझे हुई है इस साल की, हर कोई ना जो सक्सेसफुल है, जो कुछ बहुत अच्छा फोर्ड है अपनी लाइफ में, उसने ना अपनी जर्नी में कुछ ना सीक्रेट टिप्स या ट्रिक्स जिसे कहते हैं या हैक्स जिसे कहते हैं, वो जितना फाइंड आउट कर ली होती है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरिजीत सिंह है, वो इतने अच्छे अच्छे गाने लिखता है, हो सकता है कि उन्हें गाने की जो लाइंस होती हैं या जो कुछ वो क्रिएटिव माइंड उनका चलता है, कहीं पर रहने से उनका चलता है वो माइंड, या फिर नेचर में रहने से उनका बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड हो जाता है, या कुछ ना कुछ वो ऐसा करते होंगे जिससे उनका क्रिएटिव माइंड हो जाता है, वो कुछ हैक होगी। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली का कुछ ना कुछ हैक होगा, कोल्ड शावर लेना होगा या फिर कुछ मेडिटेट करना होगा, कुछ ना कुछ उनका हैक होता है जिससे कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। और ये हैक ना हमें तभी पता चलता है जब जर्नी में हम निकलते हैं, जब काम करना अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ हैक्स होंगे जो वो ही जानते होंगे, और कमाल की बात ये है कि उन्हें लगता होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल है यार, ये थोड़ी ना कोई हैक वगैरह है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये हैक होता है। जैसे जो कैमरा से वीडियो शूट वगैरह करता है या मोबाइल से वीडियो शूट करता है, उनके कुछ ना कुछ हैक्स होंगे, कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स होंगे जो उन्हें बहुत ज्यादा काम आते हैं। उन्हें तो लगता होगा बहुत नॉर्मल है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा
बड़ी चीज होती है वो। तो ना हमें भी अपनी जर्नी में बहुत सारे हैक्स मिलेंगे, लेकिन वो हैक्स तभी मिलेंगे जब हम वो जर्नी में चलेंगे, जब जर्नी में अपन काम करेंगे या कुछ काम करते रहेंगे तभी वो हैक्स मिलते हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ हैक्स होते हैं, और आप जितने सक्सेसफुल लोगों के हैक्स जान सको और खुद भी डेवलप कर सको उतनी जल्दी आपको वो सक्सेस मिलती जाती है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है अपने टाइम में कि यार मेरे भी जैसे कुछ हैक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकट्स होंगे। और इसके बाद अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी रियलाइजेशन पे, दैट इज़ इट्स ऑल अबाउट द क्रेजी पीपल। ठीक है, जिनका क्रेजी माइंड होता है ना, क्रेजी जिसके पास आइडियाज़ होते हैं, जो क्रेजी क्रेजी हरकतें करता है, ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट देम। वही कुछ नया इन्वेंट करते हैं, वही कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ अनइमेजिनेबल करते हैं जो कि हर किसी की हेल्प करता है, इंसानों की हेल्प करता है। जैसे मुझे ना स्टीव जॉब्स का एक कोट याद आ रहा है कि द पर्सन हु डेयर टू डू द इम्पॉसिबल एक्चुअली डज दैट इम्पॉसिबल थिंग, ऐसा कुछ एक कोट है उनका। एक्चुअली अगर किसी को याद हो ना तो वो कमेंट में कर देना, क्योंकि मैं कोई एडिटिंग करूंगा नहीं इस वीडियो की, तो मैं इधर पर कोट वगैरह दिखा नहीं सकता आपको स्क्रीन पर। ठीक है, सो ऐसा कुछ कोट है कि जो इम्पॉसिबल एकदम अपना इमेजिन करता है ना, वो खुद तभी इम्पॉसिबल करता है। तो लाइफ उन्हीं के ऊपर है जो एकदम कुछ क्रेजी हरकतें करते हैं, वरना बाकी सब तो क्राउड में चल ही रहे हैं, भेड़चाल में चल रहे हैं। तो यू रियली नीड टू गेट क्रेजी, लाइक आपको ना अपनी लाइफ में कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे। मैंने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, कुछ क्रेजी डिसीजन लिए हैं जो लोगों को क्रेजी लगता है। इस साल मैंने कई सारे कई सारे बोल्ड डिसीजन लिए। अगर किसी चीज़ की पीक पे पहुंच जाता हूँ, कोई काम में पीक पे पहुंच रहा हूँ, मैं उस समय से छोड़ देता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ बोल्डनेस चल रही है अपने आप, पता नहीं, मुझे ये सब चीज़ें बाद में फिगर आउट होंगी क्या इसका रीज़न था, बट मैंने कुछ बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लिए हैं। एंड आपको भी लाइफ में लेने चाहिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, जैसे अभी मैं ना नाइक के फाउंडर की पूरी स्टोरी वगैरह पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लिए हैं, वर्ल्ड ट्रिप मारने की, जहाँ पर कोई भी उधर पर जिस सिटी से होते हैं वो कहीं पर कुछ ऐसे बाहर निकलते नहीं थे सिटी से, उन्होंने वर्ल्ड ट्रिप मारी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको ना बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं और क्रेजी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी आप अपनी पहचान बना पाते हो, तभी आप कुछ नया और अलग कर पाते हो। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द क्रेजी पीपल। हम सब लोग जिनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, वो सब क्रेजी ही थे। कुछ ना कुछ अलग उन्होंने किया था, कुछ अलग उन्होंने स्टेप उठाए थे, डिसीजन लिए थे। तो ये तीन रियलाइजेशन मुझे हुई हैं, और भी हुई हैं इस साल में, ऐसा नहीं है ये तीन ही हुई हैं। बट क्या है ना, मुझे वो रियलाइजेशन के वर्ड्स नहीं पता अभी कि किस शब्दों में मैं आपके सामने पेश करूँ। वो कुछ चीज़ें फील होती है ना, कुछ चीज़ें हम बता नहीं पाते वर्ड्स के लिए, तो मुझे अभी उसके लिए वर्ड्स नहीं मिले। ठीक है, तो जब मुझे मिलेंगे तो मैं एक और कई वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगली वीडियो, बेसिक वीडियो। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिखना, जिससे मुझे पता चले कि आई हैव वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है, तो अगर आप ये लिखोगे तो आई विल रियली नो कि आप सच में देख रहे हो। और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में बताना वो आप कमेंट में बताना, और एक्चुअली लाइक भी कर देना इस वीडियो को, सो दैट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड ये लास्ट वीडियो है 2022 की, कल से हम लोग 2023 की बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस साल हम लोगों ने 1500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है, एंड नेक्स्ट मंथ हमारे कुछ क्रेजी गोल्स होने वाले हैं जो मैं आपको अगले साल में ही बताऊंगा। थैंक यू सो मच, माई सेल्फ आयुष सुमराज, मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, टाटा बाय बाय।